इसी प्रकार से किसान को लाभकारी दाम देना। लेकिन फिर आंदोलन क्यों हो रहा है मुख्यमंत्री? आपने बड़े विस्तार से बताया कि आंदोलन इसलिए हो रहा है जी, क्योंकि लोगों को के लिए एक सपना था जी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी किसान को मिल पाएगी जी। याद करिए जब 2019 में फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कहा कि हर किसान को हम 6000 रुपए सालाना देंगे जी, जिससे किसान को अपनी जरूरत की चीजों को लेने के लिए किसी के सामने, किसी साहूकार के सामने या किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े जी। उस समय कांग्रेस ने और वामपंथियों ने क्या बातें कही थी, कांग्रेस ने, सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने उस समय कहा था ये सब दिवा सपना है, तो चुनाव के बाद वापस ले लेंगे फिर जी। उत्तर प्रदेश में 2,42,00,000 किसानों को 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान अभी हाल ही में किया गया, सीधे एक बीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में सारा पैसा जा रहा है। हर चौथे महीने, हर तीसरे चौथे महीने किसान के खाते में पैसा जा रहा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो गुमराह करने वाले लोग थे वे चुनाव के पहले भी कर रहे थे, राफेल के नाम पर भी देश को गुमराह कर रहे थे, किसान सम्मान निधि के नाम पर भी लोगों को गुमराह कर रहे थे कि चुनाव के बाद सब पैसा वापस ले लेंगे। आज उनके लिए सब कल्पना है कि देश तो वही, लोग भी वही, तंत्र भी वही, केवल लीडरशिप बदल गई। तो लीडरशिप बदलने से कितना परिवर्तन हो जाता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ बढ़ा, देश के अंदर निवेश भी तेजी, यानी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य भी भारत बढ़ा, और भारत की दुनिया के अंदर एक नई पहचान के साथ भारत आ रहा है, भारत अपनी एक नई पहचान भी बना दिया है जी। और हरेक तबके के हितों के लिए इतना बड़ा कार्य हो रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों को पैसा मिल रहा है, न इसकी किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी का मजहब, न किसी का क्षेत्र, न किसी की भाषा, सबका साथ सबके विकास के अनुरूप हर एक व्यक्ति तक इसको पहुंचाने का कार्य हो रहा है। वही लोग हैं जो चुनाव के पहले, 2019 के चुनाव के पहले विरोध करते थे कि साहब एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि धोखा है, चुनाव के बाद वापस ले लेंगे। आज जब ये पैसा किसान की जेब में पहुंच जा रहा है तो मुद्दा तो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि गरीब को आवास फ्री मिल रहा, 2.5 करोड़ लोगों को आवास 6 वर्षों में मिल गया, 3 करोड़ लोग गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन मिल गए, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, फ्री में मिल गए, देश के अंदर करोड़ों किसानों यानी लगभग 55 करोड़ लोगों को जी आयुष्मान भारत के अंदर स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। ये उनके लिए कौतूहल का विषय है कि जिन लोगों ने देश के अंदर 50 वर्षों तक शासन किया जी, वे तो किसी गरीब को मकान नहीं दिला पाए, और मकान दिलाते थे तो मकान में अपने पूर्वजों का नाम डाल करके दिखाने का प्रयास करते थे कि जैसे ये किस कोई रहम कर रहे हो, इन पर कोई उधार दे रहे हो। यहां तो नाम किसी का नहीं, प्रधानमंत्री एक देश की संवैधानिक संस्था है, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब को शौचालय की सुविधा जी, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर एक परिवार तक विद्युत उपलब्ध करा देना, उसी प्रकार से उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवा देना। अब उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वे इस फील्ड में भी हार गए थे, और देश के साथ गद्दारी करके उन्होंने 1952 में देश के संविधान के साथ धोखा करके जो काम किया था कि धारा 370 जोड़ करके भारत आतंकवाद का दंश हमेशा झेलता रहे, मोदी जी ने उस समस्या का भी समाधान जब कर दिया तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।